तो जैसे आपको पता है फाइनली माइनक्राफ्ट के अंदर 1.20.1 आ चुका है, बट प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग टूल बॉक्स यूज करते हैं एंड अपडेट के बाद क्या है जो टूल बॉक्स है वो कुछ ऐसा प्रॉब्लम दिखा रहा है, चल नहीं रहा है, ठीक है, अनसपोर्टेड दिखा रहा है। तो आज की वीडियो में टूल बॉक्स वालों के लिए है, टूल बॉक्स वालों के लिए आज की वीडियो पूरा देखना कि आज की वीडियो में आपको बताने वालों कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो बहुत इजीली। मेरे को पता है ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, आप लोग फिक्स कर सकते हो, बट कुछ कुछ लोग फिक्स नहीं कर सकते, तो उनके लिए आज का इस वीडियो। तो चलो गाइस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले गाइस जो लोग चैनल पे नए हो फटाफट से लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दो अगर चैनल पे नए हो। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम फाइनली हो चुका है, अब मैं इसको फिक्स करने वाला हूँ। उससे पहले फिक्स करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ ये प्रॉब्लम बेसिकली होता क्यों है, ये किस कारण ये प्रॉब्लम होता है। तो ये बेसिकली आपका जो माइनक्राफ्ट है वो उसको सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो एक एक वर्जन के लिए होता है, एक एक होता है, आप लोग बीटा खेलते हो उसके लिए भी होता है। तो मेन जो चीज होता है जो कि आपका माइनक्राफ्ट 64 बिट का नहीं होता है, तो टूल बॉक्स के लिए आपको 64 बिट वाला माइनक्राफ्ट चाहिए। अगर आपका नहीं है तो आप लोग नहीं खेल सकते। 64 बिट वाला कौन सा भैया, देखो 64 बिट बोले तो वो वाला माइनक्राफ्ट जो कि एक्चुअली इसके अंदर 600 MB का है, 600 MB का जो माइनक्राफ्ट है वो है असली 64 बिट वाला। 32 बिट वाला जो लो आप लोग करते हो 150 MB का वो वाला अपडेट वो है 32 बिट का। तो आपको इसके लिए मतलब 600 MB वाला माइनक्राफ्ट चाहिए जो कि है 64 बिट, वो आपको लेना है। एंड गाइस 1.21.1 ऑफिशियल अभी भी आया है, ठीक है, तो 64 बिट मिलना अभी बहुत हार्ड है, बट फिर भी गाइस आप लोग एक बार पिन कमेंट जरूर से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है बहुत ईजी है, आप लोग अभी होप समझ में आ चुका है, तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं एकदम प्ले स्टोर से इसको अपडेट करने वाला हूँ गेम को, ठीक है, 64 बिट ओरिजिनल वाला। तो चलो देखते हैं हमारा ऑन हो पाता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे मैंने फाइनली यहाँ पे माइनक्राफ्ट को अपडेट कर लिया है प्ले स्टोर से। तो गाइस अभी हम चेकआउट करेंगे कि ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो फाइनली हमारा सक्सेसफुल जो माइनक्राफ्ट है यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो गाइस आपको पता चल चुका आपको क्या है। तो गाइस 64 बिट वाला आपको माइनक्राफ्ट चाहिए, नहीं तो आपका टूल बॉक्स नहीं ऑन पड़ेगा। तो जितने भी भाई लोग टूल बॉक्स यूज करते हो 64 वाला माइनक्राफ्ट आपको चाहिए, बस चाहिए बस, नहीं तो आपका नहीं वर्क करेगा। बाय द वे यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है हमारा टूल बॉक्स है, एकदम मस्त वर्क कर रहे, सब कुछ एकदम वर्क कर रहा है, क्रैश तो मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है, एकदम लेटेस्ट बहुत ही सही अपडेट आया, ऑप्टिमाइज कर दिया गया है बहुत ज्यादा। तो गाइस ये था इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन, आई होप पता चल चुका है। तो इतना ऐसे था छोटा सा वीडियो एंड गाइस यहाँ पे सब कुछ चल रहा है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको और भी टूल बॉक्स रिगार्डिंग आपको और भी वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट करना जरूर, क्योंकि मैं इसके टूल बॉक्स से रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे सब कुछ एकदम सही से चल रहा है, कोई भी क्रैश प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी लैग प्रॉब्लम नहीं है। एंड हां गाइस इसको सर्वर में मत यूज करो कि चीटिंग होता है एक टाइप का, तो मत यूज करो, बट भी वीडियो बना रहे टूल बॉक्स के ऊपर। तो गाइस चलो गाइस कोई बात नहीं, तो चलो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप आपके वाला प्रॉब्लम हो चुका है। तो चलो गाइस वीडियो में किसी नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।